बहुत सालों पुराना ये मंदिर है, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे मुख्य पुजारी जो अभी के जो वर्तमान में हैं वो यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। सर आपका नाम? नारायण दास जी। तो मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, और जो सामने हम दर्शकों को दिखाए हैं जो स्मारक भी है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वो उनका नाम जो है खट महाराज से जी जी, और उनका जो है जो घर वहाँ कुरबा बढ़ता था जी जी, और वहाँ यहाँ के बहुत जानकार जी महात्मा जी थे जी जी, और उन्हीं का जो है देन है, ये निर्माण किया हुआ है उन्हीं का जी जी। तो ये जो है मंदिर जो है कितने सालों पुराना होगा? लगभग 80-100 सालों के आसपास का होगा जी। तो आप सर इसमें कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं भोलेनाथ महाराज जी के? यहाँ हमें 12 साल से फ्री सेवा दे रहे हैं जी जी। कहीं से कोई ये जो है जी, ये सब महाकाल जी का कृपा है और भोलेनाथ का कृपा है। तो सर ये इसके बारे में जानकारी देंगे आगे चल के, इधर बताएंगे। ये जो है ये सर जो है बाद में ये सब बना है, पहले सबसे पहला जो ये पुराना जो है भोलेनाथ की थी, और उसके बाद ये बजरंगबली जी का भी लाया गया यहाँ पर, और उसके बाद ये इधर राधा कृष्ण जी की भी है, बहुत अच्छा मूर्ति है। तो इस सब के बारे में जानकारी दिए हैं। और ये देखिए ये बंगरा जो NH 28 है उसके सटा जो है, आपको अगर समस्तीपुर या इधर बेगूसराय की तरफ से आ रहे हों तो इसके आपको जस्ट बाएँ तरफ मिल जाएगा, और इधर से आप आ रहे हैं मुजफ्फरपुर तरफ से या कहीं मोतिहारी जिला से आ रहे हैं तो आपको दाहिने तरफ में मिल जाएगा मंदिर, और बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर है जो कि NH 28 से सटा हुआ है जी जी। सब हैं जी, मिलता है बनाने का खाने, यहाँ जो भी बोलबम जो भी कांवरिया जो भी आते हैं कांवरिया जो भी बोलबम के लिए, तो यहाँ बैठने का रहने का जो भी है पूरी व्यवस्था किया जाता है। बगल में जो है आपका पीछे जो है स्कूल भी है, और नज़दीक में जो है बंगरा थाना भी है, तो यहाँ का पूर्ण रूप से सर थाना का भी सहयोग मिलता होगा और स्कूल का भी पूरा सहयोग मिलता होगा जी। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, आप जो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ एक बार अवश्य आए। देखिए ये सामने देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, ये जो हाँ नंदी जी हैं, नंदी महाराज जी हैं, देखिए आप बहुत ही सुंदर, वो एकदम सामने की ओर मुख है, और यहाँ आप एक बार आए और विजिट करें, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ सावन के महीने में भी बहुत भीड़ रहती है जी, पूरे पूरे वाटिका है एकदम। आपको पहले भी हम बता दें यहाँ पर पूरा पूरा ज्यादा इतना स्पेस है कि लगभग जो है 10,000 एकदम आराम से व्यक्ति जो है चारों तरफ एकदम घूम फिर रख सकते हैं, एकदम बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आप हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक।